गुरमीत और कृतिका की बात करें तो फैंस लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे, फाइनली जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं तो वो ये है पुनर्विवाह शो के सीजन 3 पर काम चल रहा है। जी हाँ, फाइनली अब खबर निकल कर सामने आ चुकी है, यहाँ कुछ झूठी खबरें नहीं हो सकती हैं क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आई हैं ना, डेफिनेटली पुनर्विवाह के सीज़न 3 पर मेकर्स काम करने वाले हैं और सीज़न 3 डेफिनेटली अब फाइनली मेकर्स लेकर आने वाले हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि जी हाँ, शो का सीज़न 3 आने वाला है। दूसरा सवाल ये उठता है फैंस की तरफ से कि आखिर यहाँ पर स्टारकास्ट कौन होने वाली है। जिस तरीके से फैंस डिमांड कर रहे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृतिका शेंगर और उर्मी चौधरी की जोड़ी को लेकर कर रहे थे क्योंकि ये जोड़ी उनको दोबारा से देखनी है सीज़न 3 के अंदर। जिस तरीके से सीज़न 1 में इस जोड़ी ने कमाल किया था ना, सीज़न 2 में यहाँ पर स्टारकास्ट चेंज हो जाती है लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर पाता है शो। यही वजह है कि सीज़न 2 का कोई नाम भी नहीं लेता है। सीज़न 1 की जो बात है वो अलग ही थी। यही वजह है सीज़न 3 में लोग एक बार फिर से यश और आरती को देखना चाहते हैं। देखने वाली बात अब ये होगी, क्या मेकर्स कृतिका शेंगर और गुरमीत चौधरी को वापस लेकर आ पाएंगे। कृतिका शेंगर के आने के चांस काफ़ी दिख रहे हैं, अगर 70% चांस बोले जा सकते हैं, पर गुरमीत चौधरी डेली शो में वापसी करेंगे ऐसा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। सो देखते हैं कि आखिर किस तरीके से गुरमीत और कृतिका की जोड़ी नज़र आ पाएगी। हालांकि मेकर्स कोई चांस नहीं छोड़ेंगे इस जोड़ी को लेकर आने के लिए क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से बात पता है कि यश और आरती की इंपॉर्टेंस क्या थी इस शो के अंदर और क्यों सीज़न 3 की डिमांड इतनी ज़्यादा चल रही है। सो देखते हैं कि किस तरीके से गुरमीत चौधरी डेली शो में वापसी करेंगे। हालांकि डेली शो में वापसी करना तो काफ़ी कम परसेंट चांसेस हैं, लेकिन हाँ, अगर OTT पर ये शो आता है तो चांसेस हैं कि गुरमीत चौधरी वापसी कर दें। सो ऐसे में फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे यश और आरती के कैरेक्टर में इन दोनों को देखने के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पुनर्विवाह सीजन 3 के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं और किस जोड़ी को आप देखना चाहते हैं सीजन 3 के अंदर, जहाँ कृतिका और गुरमीत नज़र आएँ आपको यश और आरती के कैरेक्टर में। वहीं बात करें, जैसा कि आप जानते होंगे सीज़न 1 में आपको वहाँ पर उनका एक बेबी देखने को मिला था जिसका उन्होंने प्यार से आयु नाम रखा था। सो हो सकता है उनकी जो दो बच्चियाँ थी उसके ऊपर भी कहानी बेस्ड हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। अगर उस शो से उस सीज़न से रिलेट करेंगे तो आपको यहाँ पर उस तरीके से कहानी देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ पर गुरमीत चौधरी आपको ना देखने को मिले लेकिन कृतिका शेंगर बेटी का कैरेक्टर प्ले करते हुए एक बार फिर से नज़र आ सकती हैं। कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।